What's up everybody, Assalamualaikum, hope you're doing okay. आज की जो वीडियो है आई थिंक उसकी डिमांड मुझे सबसे ज़्यादा हुई है। आई थिंक मैंने अब तक जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं किसी न किसी का एक कमेंट ज़रूर आता है कि यार आप अली एक्सप्रेस के ऊपर जो है एक वीडियो बनाया, उसके प्रोसेस के ऊपर, उसके ऊपर से कैसे शॉपिंग करते हैं, कितना रिलायबल है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर मैंने आई थिंक दो या तीन दिन पहले अपने इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो एक पोल चलाया था एंड द मेजॉरिटी वॉज लाइक येस यू नीड टू मेक अ वीडियो ऑन अली एक्सप्रेस। तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। आज हम बात करेंगे अली एक्सप्रेस की, अली एक्सप्रेस क्या है, उसके ऊपर से चीज़ें कैसे ऑर्डर करते हैं, क्या ऑर्डर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आई एम प्रीटी श्योर कि अली एक्सप्रेस का हर किसी को पता है, वेदर आपने इसके ऊपर से ऑर्डर कभी किया है या नहीं किया। बट अगर आप एक ऐसे व्यूअर हैं जिसको अली एक्सप्रेस का नहीं पता, तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। अली एक्सप्रेस एक चाइनीज ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है और मेरी नज़र में पर्सनली आई थिंक इट्स वन ऑफ दी बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पे मतलब लिटरली हर रेंज का, हर कैटेगरी का, हर टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब आप टेक ले सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं, अगर आप गंदे गंदे शौक है तो आप उस किस्म की चीज़ें ले सकते हैं, स्टिकर्स, स्टेशनरी, आई मीन यू नेम इट एंड दीज गाइज विल हैव इट। अच्छा यार, पाकिस्तान के अंदर लोगों के अली एक्सप्रेस को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोगों ने जो है वो जख्म खाए भी हैं। बट मेरे पर्सनल ओपिनियन के अंदर पिछले 4 साल से मैंने जितना भी सामान मंगाया, आई थिंक 98% सामान मुझे मिल चुका है। तो मैंने कोई 3.5-4 लाख की टोटल शॉपिंग करी है पिछले 3-4 साल में, मैंने, मेरी फैमिली ने, एंड हमारा एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा रहा है। और जिन जिन लोगों का एक्सपीरियंस ख़राब रहा है, मैं उन चीज़ों के बारे में भी अभी आपसे बात करता हूँ। बट पहली चीज़ तो ये कि लेट्स टॉक अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ हाउ टू ऑर्डर फ्रॉम अली एक्सप्रेस। अच्छा, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाउ टू ऑर्डर। तो भाई देखें, प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है। फर्स्ट यू हैव टू गो साइन अप, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप फेसबुक से लॉगिन करेंगे या अपने जीमेल से लॉगिन करेंगे या अपनी हॉटमेल आईडी से लॉगिन करेंगे, फिर आपका एक अकाउंट बनेगा, फिर आप पेमेंट डिटेल्स डालेंगे। अली एक्सप्रेस यूजली डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्ट करता है, बट मेरे एक्सपीरियंस के अंदर मेरे डेबिट कार्ड्स, पाकिस्तानी डेबिट कार्ड्स कभी भी अली एक्सप्रेस पे नहीं चले। तो मैंने अपनी बेसिकली जितनी भी शॉपिंग करी है वो क्रेडिट कार्ड के जरिए ही करी है। बट आई डू नो कि अली एक्सप्रेस कुछ बैंक से डेबिट कार्ड यूज करता है, तो आप ट्राई करके देख लें अगर आपका डेबिट कार्ड चलता है तो। अच्छा, क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल सेलर्स हैं, यानी वेबसाइट खुद कुछ नहीं बेचता, तो जब भी आप अपना कार्ड बनाते हैं और उसके अंदर सामान डालते हैं तो हर चीज़ की शिपिंग डेट और हर चीज़ की शिपिंग कॉस्ट वो अलग अलग होगी। तो ऐसा नहीं होगा कि यार आपने 4 आइटम खरीदे तो 4 आइटम एक ही डेट के ऊपर आएंगे और उनके ऊपर शिपिंग कॉस्ट लगेगी या नहीं लगेगी। ज्यादातर चीज़ों के ऊपर शिपिंग कॉस्ट नहीं होती, बट वो सेलर टू सेलर डिपेंड करता है। और इस बात पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा कि अगर आपने 4 या 6 चीज़ें मंगाई हैं तो वो अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे आ रही हैं। कोई 15 दिन में भी आ जाती है, कोई 1 महीना 1.5 महीना भी लगा सकती है। अली एक्सप्रेस से शॉपिंग के दौरान एक चीज़ का मैंने बड़ा सख्ती से हमेशा ख्याल रखा और वो है आपकी जो सेलर है उसकी क्रेडिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा यार स्पोर्ट्स शूज, तो जो वेबसाइट है आपको हजारों की तादाद में ऑप्शंस दे देगी। अब अक्सर लोग अली एक्सप्रेस के ऊपर जो फोटोज होती हैं प्रोडक्ट की उनको देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, या कम प्राइस के अंदर कोई चीज मिल रही होती है तो उनको लगता है कि यार अच्छा दिस माइट बी द बेस्ट ऑप्शन। बट द रियलिटी इज कि यार अच्छी फोटोज और कम प्राइस डू नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट टू अ गुड प्रोडक्ट या क्रेडिबल प्रोडक्ट और अ क्रेडिबल सेलर। तो सबसे पहले जो आपको चीज देखनी है वो सेलर की रेटिंग है। जब भी आप प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो सेलर है या स्टोर है उसकी रेटिंग आपको कहीं ना कहीं लिखी नजर आ जाएगी। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि ये जो प्रोडक्ट है इसके कितने यूनिट ये सेलर बेच चुका है। मेरा पर्सनल रूल ये है कि यार अगर 100 से नीचे किसी प्रोडक्ट को किसी सेलर ने बेचा है तो मैं उस प्रोडक्ट को बाय नहीं करता। तीसरी चीज जो आपको देखनी है वो नीचे कॉमेंट्स है। हर प्रोडक्ट के नीचे जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो नीचे फीडबैक का एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है जिसमें लोगों ने रेटिंग दी हुई होती है और अपने कमेंट्स दिए होते हैं, और यूजली लोगों ने अपनी फोटोज भी लगाई होती हैं कि यार ये प्रोडक्ट आया डब्बे के साथ, ये मसला था इस चीज के साथ, ये मसला था। तो आप थोड़ी सी रिसर्च करें अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं, अगर आपको मेक श्योर करना है कि प्रोडक्ट आपके घर में सही सलामत आए, तो थोड़ा सा होमवर्क करना अली एक्सप्रेस पे जरूरी है। हाई रेटिंग वाले जितने भी सेलर्स होते हैं उनका एक और फायदा ये भी होता है कि यार वो रिटर्न्स के मामले में बहुत बहुत पक्के होते हैं, तो उनको किसी भी तरीके से अपनी रेटिंग जो है उसको सेफगार्ड करना होता है, उसको इंटैक्ट रखना होता है। तो अगर उनसे कोई भी भंड हो जाता है या आपका प्रोडक्ट फंस जाता है या आपके प्रोडक्ट में कोई ना कोई मसला है और आप उनको बोलते हो कि यार मुझे नहीं चाहिए, रिटर्न चाहिए, मुझे पैसे वापस चाहिए, तो वो अपने गिवन टाइम के अंदर पैसे आपके यूजली लौटा देते हैं। नाउ दैट वी आर डन विद हु टू ऑर्डर फ्रॉम, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट टू ऑर्डर, यानी कि क्या चीज मंगानी चाहिए और क्या चीज नहीं मंगानी चाहिए। देखिए इसमें 2 चीजें। पहली चीज ये कि कोई भी ऐसी चीज जिसको पहने बगैर आप रियल लाइफ के अंदर भी नहीं खरीदेंगे वो चीज आप ऑनलाइन क्यों मंगाएं। पर्सनली मैं कभी भी जीन्स ऑनलाइन नहीं मंगाता क्योंकि मुझे पता है कि यार जीन्स एक ऐसी चीज है जिसको पहनकर देखना जरूरी है। दूसरा सीन ये है कि यार पाकिस्तान का कस्टम डिपार्टमेंट थोड़ा सा नदीदा है, तो अक्सर और बेशतर ऐसी चीजें होती हैं जिसको वो लोग देखते हैं और बोलते हैं भाई ये तो यहाँ से निकलेगा ही नहीं, ये तो मैं अपने पुप्पी के बच्चे को दूंगा या अपने बेटे को दूंगा या अपने भांजे को दूंगा। तो ख्याल रखें कि यार बहुत ज्यादा महंगे आइटम
जो कि आप अदरवाइज यहाँ से ले सकते हैं, वो चीज़ें ना मंगाएं। दूसरी चीज़ है कि जब इतने महंगे आइटम्स होते हैं, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, लैपटॉप्स हैं, सेलफोन्स हैं, जिनके ऊपर ड्यूटीज़ का बहुत बड़ा सीन है, तो यार आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डायरेक्टली मज़े से जो है वो पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू आ जाएगा, उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी, वो कस्टम डिपार्टमेंट लाजमी फंसेगा। तो थोड़ा सा दिमाग चलाने की ज़रूरत होती है। अब इस तरह की चीज़ें होगी जैसे टी शर्ट्स हैं, कैप्स हैं, टॉयज़ हैं, छोटी छोटी टेक की एक्सेसरीज हैं, होम अप्लायंसेज की छोटी छोटी चीज़ें हैं, सनग्लासेस हैं, सॉक्स हैं, अंडरवेयर, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर कस्टम डिपार्टमेंट कोई शक नहीं होगा या जिसके अंदर कस्टम डिपार्टमेंट को रोकने में कोई खास फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ आपको लाजमी अली एक्सप्रेस से मिल जाएगी। अच्छा यार, अली एक्सप्रेस से अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ मंगाना चाह रहे हैं जो कि आपको स्किन के ऊपर अप्लाई करनी है, यानी ये क्रीम्स हो गई या जेल्स हो गए या मेकअप हो गया, उसको ऑर्डर करते हुए मैं थोड़ा सा घबराऊंगा, क्योंकि देखिए अगर कोई नोन ब्रांड नहीं है तो यार वी डोंट नो कि उसके अंदर क्या जा रहा है। और अक्सर चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स जो मेकअप के हैं, उनके जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बड़े क्वेश्चनेबल होते हैं, उसके अंदर जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, जो डाइज यूज़ कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं पता। तो बेसिक रूल ऑफ थंब ये है कि यार अगर स्किन के ऊपर लगाने वाली कोई भी चीज़ ऐसी है जिसको आपको मंगाने का शौक है, तो आप किसी नॉन ब्रांड से महंगे में ले लें, किसी कॉस्मेटिक स्टोर से पाकिस्तान में जाकर ले लें, बट अली एक्सप्रेस से ना मंगाएं। अच्छा यार, पाकिस्तान के अंदर कुछ और भी मसले हैं जिनकी वजह से अली एक्सप्रेस का यूजली सामान फंस जाता है, बट इससे पहले कि हम उस पार्ट पर जाएं, लेट मी शो यू गाइस कि मैंने क्या क्या कैटेगरीज आज तक अली एक्सप्रेस से मंगाई। सबसे पहले भाई टी शर्ट्स, ये भाई ने जो टी शर्ट पहनी हुई है ये इस वक्त अली एक्सप्रेस की है, और एक टी शर्ट ये भी है, डिजिटली प्रिंटेड टी शर्ट्स हैं, और इस तरीके की और भी बहुत सारी टी शर्ट्स मैं मंगा चुका हूँ, अभी दो ही नजर आ रही थी तो मैंने दो आपको दिखा दी। दूसरी चीज कैप्स, मैं अली एक्सप्रेस से बहुत 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 सारी कैप्स मंगाता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ माई कैप्स आर फ्रॉम अली एक्सप्रेस, और आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मेरी कोई भी कैप अली एक्सप्रेस पर फंसी हो। तीसरी कैटेगरी जिसके प्रोडक्ट्स मैं बहुत रेगुलरली मंगाता हूँ वो टेक एक्सेसरीज हैं। कुछ वर्ष पहले मैं GoPro के ऊपर ब्लॉगिंग करता था, और आई थिंक दिस बाय फार हैज बीन वन ऑफ माय बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अली एक्सप्रेस। ये GoPro का एक माउंट है, केस है, इसके साथ इसकी बहुत सारी एक्सेसरीज आई थी, इट्स गॉट अ ट्राइपॉड एज वेल। ये इसका एक्सेसरी बैग है, और इस एक्सेसरी बैग के अंदर आपके हर किस्म के GoPro का माउंट है, हेड माउंट है, बैग माउंट है, चेस्ट माउंट है, कार माउंट है, और ये मिला भी मुझे बहुत सस्ता था, आई थिंक दिस वॉज फॉर लाइक 1100 या 1200 रुपए। तो टेक का सामान इस तरीके का हो गया, प्लस छोटी छोटी एलईडी लाइट्स हो गई। मेरी इस वक्त जो सेकेंडरी लाइट है, एक मेरी प्राइमरी लाइट है, एक मेरी सेकेंडरी लाइट है, वो भी मैंने अली एक्सप्रेस से मंगाई है। और एक जो चीज़ जो मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था वो ये ज़ायून का जो है वो गिम्बल है, इस प्रोडक्ट ने मुझे बहुत बहुत मसला दिया था। ये आई थिंक 2 महीने जो है वो कस्टम डिपार्टमेंट के अंदर फंसा रहा था, और अगेन ये इसकी वजह भी यही है कि यार इसके ऊपर ड्यूटी लगी। तो दिस इज बेसिकली द गिम्बल, बिल्कुल सही सलामत आया है, कोई मुझे इसमें कोई मसला नहीं हुआ। टेक की चीज़ें थोड़ी महंगी भी थी, रिस्क था बहुत बड़ा, बट खैर ये भी चीज़ मुझे मिल गई। उसके अलावा टॉयज के अंदर मैंने कोई 40-50 हज़ार रुपये के लेगो सेट्स और लेगो एक्सेसरीज मंगाई हैं अली एक्सप्रेस से, वो अभी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरा फ्रेम इतना बड़ा नहीं है, बट वो भी सही सलामत बिल्कुल टाइम पर आ गया था। उसके अलावा कोर्की किस्म की छोटी मोटी चीज़ इस तरह ये लाइट बॉक्स है विद लाइक माय ब्रांडिंग ऑन इट, खैर ये ब्रांडिंग तो नहीं आई थी, बट ये हो गया। इस तरीके की कूल चीज़ें हो गई जो मुझे जमा करने का बहुत शौक है, या मैं अपने कमरे के अंदर जो है रखना बड़ा पसंद करता हूँ, इस तरीके की चीज़ें बड़ी आराम से आ जाती हैं। एंड फाइनली किचन स्टफ लाइक दिस मोल्ड ऑफ आइसक्रीम, जो कि मेरे घर वालों को आज तक कोई तौफीक नहीं हुई जिसके अंदर आइसक्रीम बना सके। बहुत शौक से मैंने मंगाया था कि यार आइस लॉलीज बनाएंगे हम लोग, मगर खैर किसी ने कुछ नहीं बनाया, बट द पॉइंट इज कि बिल्कुल टाइम पर ये सब मेरे पास आ गया। अच्छा यार, अब हम बात कर लेते हैं नॉन प्रॉब्लम्स की। पहला तो मसला ऑब्वियसली हैंड्स डाउन कस्टम्स डिपार्टमेंट का है। कस्टम्स के अंदर अगर कोई चीज़ फंस जाती है तो उसको निकालना बहुत बड़ा एक जो है वो इशू है, बहुत बड़ा चैलेंज है। फ़ोन करने पड़ते हैं, जाना पड़ता है, फौरियाँ करनी पड़ती हैं, निकल जाता है बट थोड़ा सा टाइम लगता है। दूसरी चीज़ है ड्यूटीज़, अक्सर आप जो है ये एंटिसिपेट नहीं करते कि जो चीज़ आप मंगा रहे हैं वो मुल्क में जैसी एंटर होगी उसके ऊपर बहुत सारी ड्यूटी लग जाएगी, और फिर आप बोलते हैं कि यार ये क्या हुआ, ये तो मैंने इतने की मंगाई थी और ये तो इतने का जो है टोटल इसका खर्चा पड़ रहा है। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा, इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा कि यार कौन सी चीज़ के ऊपर कितनी ड्यूटी लगती है, और अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा की मंगा रहे हैं तो यार कस्टम डिपार्टमेंट्स का ये उसका फ़र्ज़ है, जिसका काम है कि उसके ऊपर ड्यूटी लगाएगा, तो बी रेडी फॉर दैट। तीसरी अक्सर चीज़ होती है कि यार पोस्ट ऑफिस भी घपले कर देते हैं, कस्टम से चीज़ निकल जाती है मगर पोस्ट ऑफिस फंस जाती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर आपका कोई खांचा हो। मेरा पर्सनली थ्रू आउट द टाइम पीरियड्स के अंदर मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया है, तो एक पोस्टमैन साहब हैं वो मेरे बहुत अच्छे
करीबी जो है वो दोस्त बन गए, तो उनका सीन ये है कि वो जब भी कोई मेरे नाम का या मेरे एड्रेस का जो है सामान देखते हैं, अगर वो इधर उधर हो भी रहा होता है तो वो झपट कर निकाल लेते हैं कि यार ये मेरे क्लाइंट का सामान है। तो पोस्टमैन से जो है वो सेटिंग बना लें, पोस्ट ऑफिस से आपका सामान कभी भी गायब नहीं हो। अच्छा, ये तो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर, अक्सर ये होता है कि पाकिस्तान से बाहर भी बड़े सारे मसले हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एक बार गोप्रो की बैटरीज मंगाई थी, तो मुझे सेलर ने तकरीबन 1.5 महीने बाद बताया कि यार फैक्ट्री के अंदर कोई मसला हो गया, पूरी जो शिपमेंट थी, कंसाइनमेंट थी, उन बैटरीज के अंदर कोई फॉल्ट निकला है, तो ये मैं आपको नहीं पहुँचा सकता, तो इसके मैं पैसे आपको वापस कर देता हूँ। इसी तरह अक्सर ये होता है कि यार कभी कभी एयरलाइंस वहाँ की जो है वो मिसप्लेस कर देती हैं आपका सामान, पाकिस्तान आता ही नहीं है। ऐसी जितनी भी चीज़ें उनके लिए जो है आप डिस्प्यूट्स ओपन कर सकते हैं, और अगर सेलर अच्छा है जिस तरह मैंने आपको बताया था तो वो आपके पैसे वापस कर देगा। तो यार ये था मेरा छोटा सा एक ओवरव्यू अली एक्सप्रेस से शॉपिंग करने का। अगर आपको कोई भी सवाल है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपको जवाब दूँ। अगली वीडियो के अंदर अली एक्सप्रेस से रिलेटेड मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं कोई महंगा जूता मंगाऊँ और फिर देखूँ कि वो पाकिस्तान में कितनी देर में आता है, कस्टम से फंसता है नहीं फंसता, उसमें ड्यूटी कितनी लगती है। इफ़ यू वॉन्ट दैट वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। जाते जाते आई वुड लाइक टू जस्ट से के प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगली एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज मी रामेश सवा साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।